ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद चौथा अध्याय। राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। भगवान नारद जी से कहते हैं, न अहम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदय न चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं ना तो वैकुंठ में ही रहता हूँ ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ प्रेमाकुल होकर मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन किया करते हैं। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्णों में चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर पत्नी पुत्र महल पशु धन भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनक आदि ऋषियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त कर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमय है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं? अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं? वे बच्चों के बनाए हुए करोंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं? भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़े ही अद्भुत अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज और तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है, हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान देते हैं, दुष्टों की संसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं और तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनको भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसीलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर
जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं तथा तपस्वियों के लिए तपह स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की, प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालनकर्ता हैं तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि और यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रकट किया था और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों में से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण और एक मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश किया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।